काफ़ी खुश है। बच्चों से भी मिले? हाँ बिल्कुल। आई थिंक शालीन और मेरा रिलेशनशिप, मैं बहुत नाराज़ भी सबसे ज़्यादा शालीन पे होती हूँ, लेकिन एक चीज़ तय है, और चाहे वो कोर्ट अपील हो चाहे कुछ भी हो, आई थिंक आई वॉन्ट हिम टू ग्रो इन लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शालीन एक ऐसे पड़ाव पर है अपनी ज़िंदगी के कि वो एक बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, उनकी उनका रिलीज़ 83 बेकाबू कर रहे हैं। एंड ही इज़ अ गुड एक्टर यार, वो बहुत मेहनती एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, एंड आई थिंक ही गॉट वॉट ही वॉन्टेड एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो बिजी होंगे, काम करेंगे। एंड आई हैव ऑल द लव एंड सलमान सर ने भी उनके लिए कुछ सरप्राइज रखा है जो सुनने में आया है सलमान सर के साथ? वो दैट विल बी नाइस, आई डोंट नो, विल बी नाइस। या सो देयर इज जस्ट नॉट टू मेनी कैमरास ऑन दिस। आई जस्ट वॉन्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट, ये मैं ज़रूर बोलूँगी, और जेन्यूनली मुझे ऐसा लगता है कि शालीन डिज़र्व करते हैं ये ब्रेक इस वक्त, क्योंकि चाहे वो डांसर हो चाहे वो एक्टर हो, पहले से ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, और फाइनली इज गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट प्लेटफॉर्म। सो ऑल द बेस्ट टू हिम, और बहुत खुश है मेरी ज़िंदगी के लिए, जब भी मिलते हैं बहुत बहुत खुश है जेएनएन के लिए। कल मैं ऑस्कर अवार्ड मिला इंडिया के लिए। आई नो, तुम लोगों ने सेलिब्रेट किया कि नहीं? किया तुम लोगों ने? मिठाइयां खाई? आई नो, आई एम सो हैप्पी। और एक्चुअली वो गाना ऐसा चलता है ना, और पता है बॉलीवुड, ऑनेस्टली बोलूं, रिकग्निशन की बॉलीवुड को जरूरत नहीं है, आप फिरंगियों से भी पूछोगे ना, शाहरुख खान हो सलमान खान हो, सबको पता है, लाइक दे नो। और गाने आप उनको वर्डिंग नहीं पता होगा, लेकिन उनको स्टेप कोई ना कोई पता होगा। सो बॉलीवुड इज एनी वेज वेरी फेमस, बट ऑस्कर में रिकग्निशन बार बार मिलना, आप निकल गया, इट्स सच अ प्राउड फीलिंग, और लगता है यार ये होती है ना पावर। बॉलीवुड बायकॉट चल रहा था, मैंने बॉलीवुड बायकॉट चल रहा था पहले, ट्रेंड चल रहा था इसका, यार पता नहीं, देखो ये ट्रेंड नहीं बोल सकते, मुझे लगता है अब लोगों को अच्छा कॉन्टेंट चाहिए, और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप भी जाओगे, अगर आपको वेब शो में कोई अच्छा आप सीरीज देख रहे हो, और सडनली आप एक थिएटर में जाओगे और आपको लगेगा यार ये क्या है, पता नहीं, तो आप भी शायद निकल जाओगे। इट इज़ वेरी सिंपल, अब कॉन्टेंट इतना ज़्यादा हो गया दैट इट रियली रियली आई थिंक मेक्स ऑल द डिफरेंस। पठान के बाद ज़्यादा हो गया, पठान तो हिट हुई ना, हाँ, उसके बाद बहुत रिकवर हो गया। हाँ पठान वाज अ हिट, क्या मतलब दीपिका क्या लग रहे हैं यार हम जैसे लोग, कहाँ जाए कहाँ छुपाए अपने आप को। आपने देखे थे? सॉरी पठान देखे अभी? पठान देख नहीं पाई, लेकिन मुझे मतलब मैंने उनके सॉन्ग पे रील वील बड़े बनाए, एंड आई थिंक दीपिका इज लुकिंग स्टनिंग। एंड शाहरुख सर ऐसे एज में ऐसे कैसे लग सकते हैं? तुम लोग क्यों नहीं है 6 packs? किसका चेपान इंस्पायर्ड है शाहरुख? इनका फैमिली पैक है, शादाब का फैमिली पैक है। तुम लोग क्यों नहीं इंस्पायर हो रहे हो? सिर्फ इंटरव्यूज लेते हो, इंस्पायर कौन होगा? 6 packs इसके लग रहे हैं, इसके हमारा तैमूर है, बहुत जवाब है यार। ऐसा मत बोलो यार, कहाँ जाएंगे हम, ऐसा नहीं है, इंस्पायर होना चाहिए। देखो जिस एज में वो क्या डिसिप्लिन मेंटेन करते होंगे, इट इज नॉट इजी। और देखो जो हम 15-20 साल पहले रिड्यूस कर पाते थे, अब वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो डिसिप्लिन क्या होगा? सो पठान हो जाओ उस टाइम। थैंक यू, प्रे करना बहुत सारा, और हम ढूंढ के पहुँचेंगे शादी में, ढूंढ के पहुँचेंगे आपके शादी में। मेरा मायका सिर्फ मेरा घर नहीं है, आप सब हो, नॉट आप सब मतलब जिनसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ये कैमरा है, क्योंकि मैंने लिटरली 20 सालों से यही काम किया है, तो मेरे लिए माइका है मेरा, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, सबको अच्छे से बाय बोल के और अच्छा सा फेवर देना, मुझे स्माइल